गाइस बैक अगेन अनदर वीडियोस। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो देखकर समझ गए होंगे आज मैं किस सब्जेक्ट पर बात करने वाला हूं। बेसिकली सबसे पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ 3 स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसकी ब्रांच 3 लोग यानी एक तो पढ़ सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसमें इसी सब्जेक्ट का नाम होता है डी यानी डिजिटल प्रिंसिपल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है डी, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ सकते हैं उनका भी यही सिलेबस होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है डीपीई यानी डिजिटल प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों बता दूं कि पहले यह तीन मतलब तीनों का नाम सेम होता था, लेकिन इस बार इलेक्ट्रिकल वालों में चेंज हुआ जिसके कारण से नाम इनका चेंज हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, और मैं बता दूं कि इस वीडियो में, ठीक है, इस वीडियो में हम एक लेसन पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दूं कि इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो एंड तक देखते रहिए और इसके बारे में समझ लिए। और मैं बता दूं कि अब मैंने तो कह दिया सिर्फ 3 देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं दोस्तों कि सभी लोग मतलब जिसको भी पढ़ना है डिजिटल प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तो सभी लोग देख सकते हैं। तो पहला वीडियो भाई इसलिए फेस कैम बना रहा हूं ताकि इसमें परिभाषा वगैरह है, तो आपको मैं सभी ढेर सारी परिभाषा बताने वाला हूं, सबको एक एक करके आप समझते चलिएगा। लेकिन बता दूं कि आपका लेक्चर डेली कंटिन्यू आएगा, और इसकी मैं टाइमिंग बता देता हूं कब लेक्चर आने की चांसेस, अगर वीडियो शूट रहेगी तो इसी टाइम पे आएगा, और इधर मैंने टाइम टेबल आपका लगा रखा है। डी है आपका सोमवार मंगलवार और बुधवार को आएंगे, और ये आएंगे आपके 7:30 बजे यानी शाम को 7:30 बजे ये वीडियोस आएंगी, और इस वीडियो का शेड्यूल सुबह ही लगा दिया जाएगा कि ये वीडियो भाई आज शूट है और ये आज आ जाएगी। तो आप समझ गए सब कुछ बेसिकली कॉन्सेप्ट, और बता दो कि नए हो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसी तरीके से आप लोग के वीडियो बनाते रहते हैं, और लाइक कर देना इस वीडियो क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेरे पास आपके सिलेबस हैं जिसमें मैं आपके यहाँ सिलेबस मेंशन किया हूँ अपने कॉपी पर, और यहाँ पे मैं एक एक हेडिंग पढ़ूंगा और उसके बारे में बताते हुए चलूंगा। देखिए सबसे पहला लेसन है, और पहले लेसन का नाम है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कहने का मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है उसका इंट्रो लीजिए, ठीक है, इंट्रो मतलब बेस समझिए। अब देखिए सबसे पहली परिभाषा की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के, यार क्या दिक्कत है। तो सबसे पहली परिभाषा इंट्रोडक्शन हिंदी में कहें तो परिचय ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़े परिचय समझिए क्या कह रहा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। सिग्नल के ट्रांसमिशन व रिसेप्शन में डिजिटल कम्युनिकेशन के कारण सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री में काफ़ी तेजी से विकास हुआ है, जैसे कि टेलीफोन टेलीविज़न ये सब आप इसके उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। तो कितना इमेजिंग परिभाषा रही आप एक बार में सुनिएगा दोस्तों, मैंने बता दिया। अब चलिए दोस्तों हम नई परिभाषा पर चलते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन तक क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा। अब जो यहाँ से स्टार्ट होता है अगली आपकी हेडिंग होती है एनालॉग सिग्नल। तो दोस्तों एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं आइए समझते हैं। तो परिभाषा सुनिएगा ध्यान से, जिस सिग्नल का मान कॉन्टिन्यूअस रेंज के अनंत मानों में से कुछ भी हो सकता है डिजिटल सिग्नल कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपका एनालॉग, हाँ ध्यान सुनिएगा, आपका अगली हेडिंग थी एनालॉग, अगर शायद मैंने शायद डिजिटल बोल दिया था तो यहाँ ध्यान सुनिएगा, जिस सिग्नल का मान कॉन्टिन्यूअस रेंज के अनंत मानों में से कुछ भी हो सकता है आपका एनालॉग सिग्नल कहलाता है। आइए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं क्या होता है। देखिए बेसिकली क्या होगा कि इस तरह से आपकी एक एरो, हालांकि टेढ़ी हो जा रही दोस्तों, मैं इधर थोड़ा सा हो जाता हूँ और इस तरह से मैं बिल्कुल सीधे खींचता हूँ। अब क्या होगा, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इस तरह से भाइयों, इस तरह से। अब मैंने कहा जिस सिग्नल का मान कॉन्टिन्यूअस रेंज के अनंत मानो, तो इस तरह से हमारी चलेगी सिग्नल, इस तरह से हमारी सिग्नल चलेगी। अब मैं मान लेता हूँ इधर 1 होगा और इधर कहीं 2 होगा, ठीक है, इधर हमारा क्या बढ़ता है, इधर हमारा भी मान लेते हैं, और इस साइड क्या बढ़ेगा हमारा करंट शायद बढ़ेगी नहीं यार समय के सापेक्ष है, ठीक है, तो टी होगा। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या कहा कि अनंत मानों में से कुछ, अब देखिए 1 और 2 के बीच में दोस्तों अनंत मान है, आप काउंट कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा 1 2 में सिर्फ एक ही का अंतर है, लेकिन मैं कहूं दोस्तों 0.1 का ऐसे करके, फिर इसी तरीके से 0.01, तो इसी तरीके से बहुत सारी संख्या बन जाएंगी जिसको काउंट करना असंभव है, मतलब असंभव है भाई, ऐसे 10 दशमलव में पीछे तक ले जाएंगे, जल्दी 2 पहुँचेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब यही आपका परिभाषा था, और यहाँ आपका क्या होता है, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पे आपका 2π होता है, तो बस यही आपका एक फिगर बनाना जरूरी है अगर ये क्वेश्चन आता है। तो आपने देखा तो हमने समझ लिया एनालॉग सिग्नल, आइए डिजिटल सिग्नल समझते हैं क्या होता है।
तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इसका भी डिजिटल सिग्नल का भी हमें फिगर जो होगा वो क्या होगा बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे परिभाषा, आइए डिजिटल सिग्नल की परिभाषा देखते हैं। देखिए जिस सिग्नल का मान, ठीक है, जिस सिग्नल का मान दो संभव मानों में से कोई एक हो सकता है, जिस सिग्नल का मान दो संभव मानों में से कोई एक हो सकता है अर्थात जीरो अथवा वन, डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर, डिजिटल अमीटर, डिजिटल वॉच, डिजिटल क्लॉक, मतलब डिजिटली जो चीज़ें होती हैं सभी आ जाएंगी इसमें। तो इसका भी एक फिगर बनता है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो इस तरीके का आपका बेसिकली हो जाएगा इस तरह से, और इस तरह से ये समय सापेक्ष ए भी रहेगा। तो देखिए किस तरह से, इस तरह से हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए वन होगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन। तो देखा आपने सिर्फ दो ही अवस्थाएं, या तो वन होगा या तो जीरो होगा या तो वन। तो इसी कारण से हमारी डिजिटल काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, देख सकते हैं इसमें काफ़ी डिजिटल तरीके से हर कार्य हो रहे हैं। अब आते हैं अगली हेडिंग की तरफ जिसका नाम है एनालॉग सिस्टम, ठीक है। एनालॉग सिस्टम क्या होता है? एनालॉग सिस्टम वह सिस्टम होता है जो एनालॉग सिग्नल का प्रोसेसिंग करता हो, एनालॉग सिस्टम कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए वही पुराना एनालॉग वोल्ट मीटर, एनालॉग अमीटर, एनालॉग स्पीडोमीटर इत्यादि एक्सेट्रा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डिजिटल सिस्टम क्या होता है? वही पुराना वाला सिस्टम, मतलब वह सिग्नल, वह सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो डिजिटल सिग्नल का प्रोसेसिंग करता हो डिजिटल सिस्टम कहलाता है। तो आपका एनालॉग सिस्टम, डिजिटल सिस्टम समझिए, डिजिटल सिस्टम मतलब डिजिटल सिस्टम जो है उसका एग्जांपल को सुन लीजिए, स्पीडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर, डिजिटल हमेशा नाम लगाएंगे, ठीक है, स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर, डिजिटल करके, और डिजिटल और क्या हो सकता है, डिजिटल वॉच हो सकती है, डिजिटल क्लॉक हो सकती है, डिजिटल कैलकुलेटर्स हो सकते हैं, तो एनालॉग कैलकुलेटर भी होते हैं। ध्यान रहे, मत सोचना कि वो जो आता है कैलकुलेटर हम लोग कैल से यूज़ करते थे तो वही होता है, डिजिटल डिजिटल मतलब एनालॉग वाला कैलकुलेटर होता था वो पहले समय में यूज़ करते थे। इस तरह से ऐसे सब घिरियाँ पता नहीं कैसे कैसे भाई बनी होती थी जिसमें वो लोग काउंट करते थे पहले के समय में। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं अगर ऐसे ही आपको कैलकुलेटर देखने हैं। अगला दोस्तों हम आते हैं एडवांटेज ऑफ, ठीक है, एडवांटेज ऑफ डिजिटल डिजिटल सिस्टम, यानी डिजिटल सिस्टम के एडवांटेज क्या हैं, लाभ क्या हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नल कहीं पर हो रहा है तो उससे लाभ होगा भैया, तभी तो यूज़ करेंगे, नहीं तो हमारा एनालॉग वाला ही सही है। तो आइए हम इसमें कई आप मतलब चीज़ें बताते हैं, तो इसमें से सबसे पहले समझते हुए चलते हैं आपके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए डिजिटल जो सिस्टम होता है इसकी दो अवस्थाएँ होती है। पहली पॉइंट में डिजिटल सिस्टम की दो अवस्थाएँ, ऑन या तो ऑफ, इसलिए इसको ऑपरेट करना आसान होता है। दूसरा कि यह बुलियन व्यंजक पर कार्य करता है, यानी बुलियन अलजेब्रा पर कार्य करता है, जिससे इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ही सिंपल हो जाता है। अगली आती है तीसरा इसमें पॉइंट कि इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना काफ़ी आसान होता है। फिर उसके बाद अगला आता है इसमें नॉइस का प्रभाव बहुत ही कम होता है, लगभग न के बराबर। आप जैसे देख सकते हैं आपके पास एसडी कार्ड होगा उसमें सॉन्ग जब भरते हैं मतलब तो अंदर जाता है तो उसमें तो भाई कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन सीडी में जब भरेंगे तो उसमें से आवाज़ें आती हैं जो कि आपका वो एनालॉग प्रोसेसिंग काम करता है। फिर अगला है इसमें एक्यूरेसी एंड प्रिकॉशन बहुत अधिक होते हैं, यानी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, प्रिकॉशन मतलब सावधानियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। अगला कि यह वजन में हल्का होता है, वजन में हल्का होता है, साइज छोटी होती है, पावर लॉस कम करता है, विश्वसनीय होता है, यही सब हो गए, लगभग 9-10 पॉइंट हो गए भाई। तो इसमें से लेकिन हाँ, बड़ा वाला जो पॉइंट बताएं उसको पहले लिखना अगर आता है, तो छोटे वाले पॉइंट होता है उसको बाद में लिखना, क्योंकि इससे आपकी एक लैंग्वेज सेट होती है जिससे आपको अच्छा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आइए अगला चलते हैं। अगला आपका डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, ठीक है, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल में क्या अंतर है आपके। तो आपने जैसा कि सब कुछ जो अभी सुना उसी के अनुसार पे हम सब काम करेंगे। देखिए जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो हमेशा परिवर्तित होने वाले सिग्नल होते हैं, जबकि एक कंटिन्यूअस परिवर्तित होने वाले सिग्नल नहीं होते हैं। फिर आते हैं एनालॉग वाले में आते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें नॉइस और प्रिकॉशन ज़्यादा होते हैं, जबकि डिजिटल वाले में नॉइस और प्रिकॉशन नहीं होते। अगला फिर इसमें चलते हैं एनालॉग वाले में, तो इसे बुलियन म्यूजिक पर काम नहीं करता, यानी बुलियन अलजेब्रा पर, जबकि हमारा डिजिटल वाला जो होता है वो बुलियन अलजेब्रा पर काम करता है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं अगले पर, इसमें देखिए एनालॉग वाले में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना काफ़ी कठिन होता है, जबकि डिजिटल वाले में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना काफ़ी आसान होता है। इसके बाद जो होता है हमारा एनालॉग सिग्नल में डाटा को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, जबकि हम डिजिटल सिस्टम में डाटा को कंप्रेस कर सकते हैं जीरो और वन फॉर्म में। आप देख सकते हैं आपके पास एसडी कार्ड होती है जो कि डाटा को कंप्रेस करती है।
अगला होता है, इसमें जो होता है ऑपरेशन एनालॉग सिग्नल में बहुत स्लो होता है जबकि डिजिटल सिग्नल में फास्ट होता है। फिर इसके बाद जो आती है एक्यूरेसी की बात, तो डिजिटल सिग्नल डिजिटल जो हमारे सिस्टम होते हैं उसमें एक्यूरेसी कम होती है, फिर जो हमारे एनालॉग एक नहीं सॉरी गाइस डिजिटल सिस्टम में एक्यूरेसी अधिक होती है, एनालॉग में कम होती है। तो ये बेसिकली आपके कुछ अंतर थे यानी कॉन्सेप्ट थे जो डिफरेंस थे दोनों में। तो ये चीज़ें आप जो हमने पहले परिवर्तन थे उसी से यह सब कुछ छांट कर इधर बनाए गए हैं तो समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग एक आपकी आती है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप इसके एप्लीकेशन आप यानी कहाँ कहाँ इसका हम उपयोग करते हैं, तो डिजिटल कैलकुलेटर, डिजिटल वाट, डिजिटल वोल्ट मीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल क्लॉक हो गया और बस डिजिटल कैलकुलेटर हो गए। तो इस समय मतलब इन सभी चीज़ों में हम डिजिटली इस समय उपयोग कर रहे हैं। तो बेसिकली आपका लेसन वन जो है यहीं पे दी इंड हो जाता है, बिल्कुल 10 ही मिनट में इंड हो गया। तो आपने देखा कितना अमेजिंग तरीके से हम लोगों ने सभी परिभाषाएं देखी, लेसन वन समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट नंबर टू, वीडियो का भाग नंबर दो जब होगा तो उसमें हम टू लेसन स्टार्ट करेंगे, जिसको ऐसे तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि उसमें सब मैथमेटिकल वाला काम होता है, तो उसको कॉपी पर ले चलेंगे या तो यहाँ पे लेने का मतलब थोड़ी वीडियो क्वालिटी हाई करनी पड़ती है इसलिए डाटा ज़्यादा लगते हैं, इसलिए मैं कॉपी पर काम कर लेता हूँ। तो हो सकता है कॉपी पर आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यकीन है मतलब विश्वास कीजिए कि आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके इतने स्टेप थे, आपने आपका लेसन वन समाप्त हो चुका है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो अगला लेसन है लेसन टू, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसमें हम बेसिकली यही पढ़ते हैं डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा नंबर, ठीक है। हेक्सा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, ये चार नंबर है, इनका जोड़ घटाना गुणा भाग, फिर आपस में कैसे कन्वर्ट होते हैं और इसके पीछे का एक लॉजिक और होता है, इसी नंबर से मदद से जो हमारे मेमोरी कार्ड्स होते हैं वो भी बनाए जाते हैं और डिसाइड किए जाते हैं इसी पर, ठीक है। तभी आपकी मेमोरी वन जैसे कि छोटी में होती है 1 MB बना सकते हैं, 2 MB का बना सकते हैं, 4 MB की बना सकते हैं, फिर उसके बाद 6 MB की बना सकते हैं, फिर 8 MB की, फिर 1 हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 32 हो गई, फिर 64 हो गया, फिर 128, 256, 512, 1024, 2048, इस तरीके से आपकी मेमोरी बनती है। तो इसी पर काम करता है भाई बाइनरी पर आपकी मेमोरी, उसमें लॉजिक गेट्स लगे होते हैं। तो बेसिकली यही बताना था लेसन वन के बारे में, आपने समझा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि पसंद आई तो अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हो चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम इसी तरीके से आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ इसकी पार्ट नंबर टू में, तब तक के लिए गुड बाय।